वालेकुम। आज हम बना रहे क्रिस्पी तली हुई मसाला भिंडी, और इसके लिए हमको चाहिए बेसन। बेसन ली मैं एक 4 से 5 टेबल स्पून, और उसके अंदर लाल मिर्ची डाली 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा लाइक 1/4 जीरा धनिया पाउडर, 1/4 गरम मसाला, 1/4 टीस्पून बता रही हूँ मैं, और थोड़ा सा लेमन सॉल्ट, सॉरी नॉट लेमन सॉल्ट, काला नमक 2 पिंच, चाट मसाला 1/4 स्पून, और काली मिर्ची 1/4 स्पून, और इसमें हल्दी और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के, छोटी बारीक मिर्ची, हरी मिर्ची काट के उसमें मैं मसाला बना के रखी। और ये देखिए, मैं भिंडी को पहले से ही काट के रखी, जैसे ऐसे चीर के रखी, ताकि जो है इसमें मसाला भरूं, और एक एक को मैं मसाला भरूंगी इसमें। मसाला भरने के बाद इसको, क्योंकि मैं नॉर्मली, बहुत सारे लोग क्रिस्पी भिंडी को शैलो फ्राई करते हैं, क्योंकि मैं डीप फ्राई करने वाली हूं, तो इसको मैं तागे से बांध दूंगी ताकि मसाला तेल में निकल के ख़राब नहीं होना। इस तरह से रख के बाद में मैं इसे तागे से बांध लूंगी। जी देखो, तागे से जब बांध लेते तो टोटली पैक हो गई। शैलो फ्राई करे तो तागे से बांधने की ज़रूरत नहीं है, खोल के जब हम इसको हिलाने जाते तेल में तो मसाला ऑलमोस्ट बाहर चले जाता। तो मैं क्योंकि डीप फ्राई कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं इसको पैक कर दी। और ये हमारी मसालेदार और क्रिस्पी भिंडी तैयार हो गई। इसके अंदर मसाला भरने के बाद मैं इसको डीप फ्राई करी, और उसके ऊपर जो है मैं अपने मसाले डालिए। अगर मसाले की ज़रूरत हो तो आप भी डालिए, चाट मसाला डालिए। वैसे मैं एक मसाला हमेशा रेडी रखती हूँ, और वो है ज़ीरा धनिया का पाउडर और चाट मसाला, काली मिर्ची, नमक। ये सारी चीज़ें एक इक्वल क्वान्टिटी में लेके मिक्स करके रखती हूँ। कभी कुछ भी कम लगे तो फिर उसमें ऊपर से डालने के बाद इसमें और चटपटा मज़ा आ जाता।